सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं कि आपने अगर अभी तक भी चेंज नहीं किया इस उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में, तो सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने फिर एक सर्कुलर इशू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये मत सोचिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बार बार सर्कुलर इशू करती रहेगी। अब की बार आप प्लीज अपना उद्योग रजिस्ट्रेशन अगर है तो उसको उद्यम में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैंने आपको बताया था कि उद्योग आधार यानी जो एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है और एमएसएमई की डेफिनेशन सरकार ने चेंज कर दी थी एक सर्कुलर के द्वारा जिसका नंबर है SO 2119E, और दोस्तों ये 26 जून 2020 को इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने। दोस्तों आप आई बटन दबाकर प्लीज देख लीजिएगा ये वीडियो जहां मैंने पूरी जानकारी दी थी आपको कि अब जो चेंज डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वो क्या है और उसके बारे में जितनी भी जानकारी है मैंने आपको दी थी। दोस्तों यहां पर इस सर्कुलर में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पैरा नंबर 7 है और उसमें एक सब पैरा 3 है जहां पर उन्होंने कहा कि भाई जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखा है उद्योग के रूप में, अब उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए उनको क्या करना होगा। दोस्तों इस पैरा नंबर 7 के सब पैरा 3 में कहा गया था कि देखिए जो भी एमएसएमईज हैं जिन्होंने अपना उद्योग रजिस्ट्रेशन करा रखा है अब वो भैया उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर लें, और उन्होंने कहा था कि ये जो उद्योग आधार है अगर आपका 30 जून 2020 से पहले का है तब वो कंटिन्यू आप कर सकते हैं और तब ये वैलिड रहेगा फॉर ए पीरियड अप टू 31st day of March 2021। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेनर्स थे जिन्होंने ये नहीं कराया ड्यू डेट तक, तो सरकार ने फिर एक सर्कुलर इशू कर दिया, उसका नंबर है 2347(E), ये इशू किया था 16 जून 2021 को, और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो पोस्ट कर आपको बता दिया था, प्लीज आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि भाई जो हमारा पुराना सर्कुलर है उसमें जब हमने पैरा 7 के सब पैरा 3 में आपको कहा था कि आप 31 मार्च 2021 तक ये चेंज कर लीजिए अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन में, उसको हम चेंज कर दे रहे हैं और अब हम इसकी डेट बढ़ा दे रहे हैं 31st day of December 2021 तक। आप में से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस दिसंबर 2021 तक भी अपना उद्योग आधार उद्यम में कन्वर्ट नहीं कराया, सरकार ने भी समझा और उन्होंने फिर एक सर्कुलर इशू कर दिया जिसका नंबर था 2078(E), ये उन्होंने इशू किया 19 जनवरी 2022 को, और उन्होंने कहा कि भैया ये जो हमारा ओरिजिनल सर्कुलर था जिसके पैराग्राफ 7 के सब पैरा 3 में हमने आपसे कहा था कि भाई इसको करा लीजिए आप 31 मार्च 2021 तक, फिर हमने उसकी डेट बढ़ा दी थी, लीजिए हम अब उसकी डेट फिर बढ़ा दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर आपने अभी तक भी नहीं कराया तो 31st day of March 2022 तक इसको जरूर चेंज कर लीजिएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं कि आपने अगर अभी तक भी चेंज नहीं किया इस उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में, तो सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने फिर एक सर्कुलर इशू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये मत सोचिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बार बार सर्कुलर इशू करती रहेगी, अब की बार आप प्लीज अपना उद्योग रजिस्ट्रेशन अगर है तो उसको उद्यम में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये सर्कुलर है अभी ताजा ताजा आया है 2134(E), 6 मई 2022 को इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने। वहां उन्होंने कहा है कि भैया जो ओरिजिनल सर्कुलर में पैराग्राफ 7 सब पैरा 3 को अब हम और चेंज कर दे रहे हैं, और अब हम कह रहे हैं कि भाई आप 30th जून 2022 तक ये जरूर चेंज कर लें अगर आप एक रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस हैं, यानी आप अगर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं आपने अपना उद्योग का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो प्लीज अब आप 30 जून 2022 तक अपना ये उद्योग रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन में जरूर कन्वर्ट कर लें। दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी बताया था कि भाई आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन 7 मिनट से भी कम समय में कैसे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है,
कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फीस आपको किसी को नहीं देनी है, तो प्लीज जल्दी कीजिए। अपना उद्योग आधार अगर आपके पास है तो उसको अब आप कन्वर्ट करा लीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन में 30 जून 2022 तक। दोस्तों मैं आपको आपके काम की इंफॉर्मेशन देता रहता हूं तुरंत जैसे ही मेरे पास आती है इस चैनल के द्वारा, तो प्लीज अब आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिए और प्लीज ये बेल भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई अपनी अगली वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी डिलेड पेमेंट की कोई समस्या है तो जैसे मैं आपको बताता हूं हमेशा nodefaulters.com पर जाइए, अपना जो डिफॉल्ट है जो आपके बायर ने कर दिया है आपके साथ पेमेंट देने में, जो वो आनाकानी कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे आपका जो पैसा है जो कहीं डिलेड है या डूबा हुआ है उसकी वसूली करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों जल्दी कीजिए, एक बार दोबारा मैं आपको याद दिला दूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये बेल जरूर दबा देनी है। नमस्कार दोस्तों।